एक बार माता सीता जब विवाह कर अयोध्या में आई, अवधपुरी में माता जानकी आई, पर 8 रात्रि तक माता जानकी ने अवधपुरी का भोजन नहीं करा, अयोध्या का भोजन ग्रहण नहीं करा। क्यों? दशरथ जी ने जाकर कहा, बहुरिया क्या बात है, तुम अवधपुरी का भोजन क्यों नहीं करती हो? बहू कहती है, नहीं पिताजी मुझे भोजन नहीं करना है। क्यों, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, इतने में कौशल्या मैया ने आकर कहा, बहू क्या बात है, तुम अयोध्या का भोजन क्यों नहीं कर रही हो, अवधपुरी का भोजन क्यों ग्रहण नहीं कर रही हो? नहीं माँ कोई बात नहीं, पानी क्यों नहीं पीती तुम अयोध्या का, 8 दिन हो गए। नहीं कहा। सुमित्रा माँ को भी कुछ नहीं कहा, पर केकई माता जब आई और माता केकई ने आकर पूछा, बहू ऐसी क्या बात है जो तुम अयोध्या का भोजन नहीं करती हो, अवधपुरी का पानी नहीं पीती हो, ऐसा क्या हो गया? आज तुम्हें 9 दिन हो गए, ना तो तुमने अयोध्या का पानी पिया ना भोजन किया, आखिर बात क्या है? तब माता सीता ने कहा, माँ मेरे पिता जनक जी कहते हैं, और जनक जी कोई साधारण नहीं थे, संतों के भी संत जनक महाराज थे। माँ मेरे पिता जनक जी कहते हैं, जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का ना तो पानी पिया जाता है ना भोजन किया जाता है। केकई ने कानों पर हाथ रख लिया, कैसी बात कहती है, तो इस अवधपुरी में किसने भांजे की हत्या कर दी? माता सीता ने कहा, मेरे ससुर दशरथ भांजे के हत्यारे। अग्नि की तरह बात पूरी अवधपुरी की ओर फैल गई, और अयोध्या में जब दशरथ जी के कानों में शब्द गया कि मेरी बहू ने मुझे पर ब्रह्म भांजे की हत्या का दोष लगाया है, तब दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया। जब पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर, विपत्ति का मारा जल भरने गया बेचारा, शरवण पानी को आया था वो जल में तुम भी डुबोया था, अरे धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने शब्द कहा था दशरथ जी को देखकर, मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना, मेरे पांव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा जल भरने गया बेचारा। तो श्रवण कुमार का शब्द सुना, दशरथ जी ने कहा, तूने मुझे मामा कैसे कह दिया? तो इतने में श्रवण कुमार कहते हैं, मामा मेरी माँ से मैं रोज पूछता था, माँ मेरे मामा कैसे लगते हैं? तो मेरी माँ ने कहा था, तेरे मामा के मस्तक पर सूर्य वंश का तिलक है, आपके मस्तक पर तिलक देखा इसलिए आपको मामा कह दिया। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है कि कौन सी ब्रांड के हो? क्या मस्तक का तिलक? दो चीजें कंपनी की है हमारे पास, एक मस्तक का तिलक, एक गले की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, ये कंपनी का ट्रेडमार्क है। जो CFL का बल्ब बेकार हो जाता है बेकार, अगर समय से पहले बेकार हो जाए तो वो कंपनी में वापिस हो जाता है। मस्तक पर तिलक लगा है, गले में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है, अचानक मालूम पड़े अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एक्सीडेंट हो गया, और तुम्हारे मुंह से राम नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, शिव नहीं निकला, मत निकलने दो। अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा है और तुम अचानक मर गए, राम नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, मत निकलने दो। और मस्तक पर अगर तिलक लगा है, यम के दूत बंदी बनाने आएंगे तो पहचान जाएंगे ये नरक ले जाने वाला जीव नहीं, इसके मस्तक पर कंपनी का मार्क लगा हुआ है, ये तो शंकर के धाम में जाएगा, ये कैलाशपति के धाम में जाएगा। इसलिए मस्तक पर या तो त्रिकुंड खींचो, सत्यम शिवम सुंदरम, ये शिव का है, बिंदी लगाओ ये माँ जगत जननी की है, नारायण तिलक लगाओ ये मेरे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का है, त्रिपुंड तिलक लगाओ खड़ा दो सफेद के बीच में लाल, ये मेरे नारायण का, ये कंपनी का मार्क है, कौन सी ब्रांड का है? जाएगा कहां? किसी किसी के मस्तक पर तिलक ही नहीं रहता तो मालूम ही नहीं पड़ता कि दिल्ली मेट तो नहीं है, कंपनी तो दिख ही नहीं रही है कि कौन सी कंपनी का है। कंपनी लिखिए चाइना का माल दिखता है,
कंपनी नजर नहीं आ रही है, विशेष कोई कंपनी तो दिखे। हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो मस्तक पर तिलक हो, गले में तुलसी की, अरे बोलो तो माला, रुद्राक्ष माला। क्यों? कभी कभी ऊपर का लेवल मिट भी जाए तो अंदर का लेवल काम आ जाए कि कंपनी दिख जाए कौन की है। मीराबाई से राणा ने कितना कहा था कि तुलसी की माला छोड़ो मेरी मीरा, तुम पहनो नो लखहार, मीरा तेरो क्या लागे, अरे क्या लागे री गोपाल, मीरा तेरो क्या लागे। मीराबाई बोलिए राणा तुलसी की माला नहीं छोड़ो राणा, अरे यही तो हमारो श्रृंगार, मीरा तेरो क्या लागे। ये नहीं छोड़ सकते, पर दुनिया के लोग सारी वस्तुएं अच्छी लगती है पर तुलसी की माला गले में चुभती है। कहा श्रवण कुमार ने मस्तक पर मात्र तिलक देखा और तिलक देखकर कह दिया मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना, मेरे पांव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा, जल भरने गया बेचारा। तूने मुझे मामा कह दिया? हाँ मेरे मामा ये जल ले जाना। जब श्रवण कुमार पात्र दिए, जल लेकर जब दशरथ जी पहुंचे, तब दशरथ जी ने क्या देखा कि सुहांगी दशरथ जी महाराज की बहन जो शांति मुनि के साथ बैठी हुई थी, बहन को देखकर आंसू ढलक गए, मेरे हाथ से भांजा मर गया, भांजा गया। दशरथ जी को याद आ गया जनक जी ने अपनी बेटी को गलत ज्ञान नहीं दिया, सत्य है भांजा मरे, पर ये भांजे की हत्या के दोष को मिटाया कैसे जाए। विश्वामित्र जी उस समय पर वहीं विराजे थे। विश्वामित्र जी ने कहा एक काम करो, शास्त्र कहता है 10,000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन करा दो तो भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा, पूछो सीता से करा दें। सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं बताया, कई कई बहुएं होती हैं मायके के मेथड से चलती हैं, उसको सास बताए कि बेटा तिल्ली का लड्डू ऐसा बनता है, सीरा ऐसा बनता है तो नहीं बनाएगी, पर मम्मी ने जैसा बताया ना वैसा वो बना लेती, उसको इतना ज्ञान होता है कि मेरी माँ ने ऐसा बताया। कई कई अब कहा सीता जी बोली मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया कि 10,000 ब्राह्मण को भोजन कराओ तब भांजे की हत्या का दोष मिटेगा, तो दोष मिटेगा कैसे। सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने बताया ऐसा कोई ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर में खाया हो, ना पानी पिया हो, ना किसी के मुंह झूठा करा हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन करने बुलाओ तो भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। अब पूरी अयोध्या में देखा तो ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला। गोरखपुर में है क्या? पूरी अवधपुरी में देखा ऐसा ब्राह्मण, पूरी अवधपुरी के अंदर। अब जब ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला किसको बुलाए, तब शब्द कर एक काम करा, गो भक्त जिसने ना कभी किसी के घर में मुख झूठा करा हो, ना पानी पिया हो, ना भोजन किया हो, उसको बुलाया जाए। पूरी अवधपुरी में देखा तो ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिला, कहां ढूंढा जाए। तब जनकपुरी में प्रश्न गया जनक जी महाराज के पास में संवाद गया, तो जनक जी से कहा गया श्री सगा जी महाराज समधी जी कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर में पानी पिया हो, ना भोजन किया हो, ऐसे ब्राह्मण को भेज दीजिए। तो जनक जी ने पत्र लिखकर भेजा ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है, हाँ एक ब्राह्मण है जिसने ना कभी किसी के घर पाया भोजन ना पानी पिया, उसका नाम लंका का राजा रावण है, एक ही है पूरी पृथ्वी पर। क्यों है ब्राह्मण पर प्रवृत्ति राक्षस की है, इसलिए ऐसे राक्षस को कोई घर में भोजन करने नहीं बुलाया, उसको तुम बुला। पत्र लिखा और दशरथ जी ने पत्र भेजा श्री रावण जी महाराज आप हमारे यहां भोजन करने पधारो। वो पत्र जो गया वो मंदोदरी के हाथ लग गया। किसके हाथ लगा? अब अभी कथा में था
कि गांधारी पत्नी है। वेद व्यास जी ने उसके नाम के आगे धर्म शब्द संबोधित नहीं किया, पर मंदोदरी के नाम के आगे क्या लिखा है, धर्म पत्नी। पत्र गया तो मंदोदरी के हाथ में लग गया और मंदोदरी ने वो पत्र पढ़कर तुरंत रावण के पास में जाकर कहा, स्वामी तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद तुमने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहते हैं, मंदोदरी ब्राह्मण कर्म क्या, शंकर जी की आराधना करता हूँ ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या, मैं भगवान शिव का अभिषेक करता हूँ ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या, ब्राह्मण कर्म और क्या है। मंदोदरी कहती है, ये तो ब्राह्मण कर्म है पर एक ब्राह्मण का कर्म और है कि यजमान के यहाँ भोजन करने जाए और दक्षिणा लेकर। रावण बोला, मेरे जैसे दशानंद दस ग्रीवा को कौन भोजन कराएगा, किसको अपने खजाने खाली करवाना है। मंदोदरी बोली, ये तो फालतू की बात है ना, आप जाओ तो बात है ना। इसको कहते हैं धर्म पत्नी, जो पति को धर्म के पद पर भेज रही है, आप जाओ तब तो। रावण कहने लगा, कहाँ जाना है। अवधपुरी के राजा दशरथ जी के यहाँ भोजन करने जाना है, ठीक है। रावण ने अपने मस्तक के मुकुट को जमीन पर रख दिया, क्योंकि रावण विद्वान था, उसको मालूम था अहंकार का मुकुट लेकर जाऊंगा तो मुझे राम नहीं मिल पाएंगे। रावण को मालूम था, एक बार दशरथ जी महाराज ने मस्तक पर मुकुट पहन रखा था और राम को ढूंढने के लिए गए थे, आप लोगों ने सुना होगा। माता कौशल्या जी बोली, जाओ जरा प्रभु राम जी को लेकर आइए। दशरथ जी महाराज गए और राम जी को पकड़ते रहे, पर राम हाथ में ही नहीं आ, और आ भी गए तो लेकर बैठे गोद में, और गोद में लेकर बैठे तो राम उनकी गोदी से नीचे खसक। क्यों? क्योंकि राम जी को लगा पिताजी के मस्तक पर मुकुट विराजमान, और मुकुट विराजमान है तो यहाँ ये राज्य वेश में बैठे हैं, ये मेरे पिता बनकर नहीं, भगवान नीचे। रावण ज्ञानी था, उसको मालूम था अहंकार का मुकुट पहन कर जाऊंगा, राम नहीं मिलेंगे। अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। उतार दिया मुकुट, गए और जाते से सूचना मिली दशरथ जी महाराज को, कोई लंका का रावण आया है, लंकेश आया। दौड़े दशरथ जी महाराज, दौड़ कर गए, और दशरथ जी महाराज ब्राह्मण के चरणों में दौड़ते दौड़ते पहुंचे। ब्राह्मणों का आदर करने वाले दशरथ जी महाराज ने ब्राह्मण के चरण को पखारने के लिए जल बुलवाया, और जब चरण धोने के लिए जल लेकर जब आए, जब चरण पखारने लगे, राम जी ऊपर छज्जे में से देख रहे थे, और राम जी ने छज्जे में से झांक कर देखा, मेरे पिता रावण के चरण धुला रहे हैं, और देखो जैसे बच्चे देखते हैं वैसे ही करते हैं। एक माता पिता ने अपने बच्चे को सिखाया, सुनो आज शाम को गुरुजी आएंगे, तुम प्रणाम करना हो। बच्चे ने कहा, ठीक है प्रणाम करूंगा। शाम को गुरुजी आ गए, पिताजी ने कहा, चलो प्रणाम करो। बेटा कहने लगा, नहीं करना। अरे प्रणाम कर, अपने गुरुजी हैं, नहीं करना। पिताजी ने दो थप्पड़ दिए, इतने में माँ आई, बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम कर, नहीं करना। माँ ने भी दो थप्पड़ दिया, बच्चा रोने लगा। इतने में गुरुजी बोले, क्यों मार रहे हो इसको, कि प्रणाम नहीं कर रहा। अरे तो वो प्रणाम नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो रे। अब दोनों ने झुककर जैसे ही प्रणाम करा, इतने में बच्चे ने देख लिया तो बच्चे ने साष्टांग दंडवत करा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदले, हम तो झुके। आशा लगी हुई है, मेरा बेटा खूब मेरा पांव पड़ेगा, मेरा बेटा खूब मेरी सेवा करेगा। ईमानदारी से बोलो, तुमने तुम्हारे सास ससुर की कितनी करी है, तुम करे हो तो करोगे। सेवा करो तो लाभ हो, अब यहां सेवा करी ही नहीं है तो लाभ क्या होगा। आज दशरथ जी महाराज ने रावण के चरण पखारे, राम जी ने देख लिया और राम जी ने विचार कर लिया, आज मेरे पिता ने चरण पखारे हैं, एक बार मैं भी जरूर पखारूंगा। और जब रामेश्वर धाम की स्थापना हुई, हनुमान जी से कहा गया, कोई विद्वान पंडित लाओ,
हनुमान जी ने विभीषण से पूछा, विद्वान पंडित कौन मिल सकता है? तो कहा, मेरे भाई लंकेश के बराबर कोई विद्वान नहीं। मंदोदरी से प्रार्थना कर रावण को लेकर आए थे और रावण ने भेंट कर रामेश्वर धाम की स्थापना करवाई थी। तब राम जी ने रावण के चरण पखारे थे, तब रावण ने आशीर्वाद दिया था, राम विजय भव। राम को आशीर्वाद दिया विजय भव, तो हनुमान जी ने कोनी मारकर कहा, क्यों रे रावण हार गया? अभी से हार गया। रावण कहता है, हारा नहीं हूं, पर जिस जगह पर मैं बैठा हूं वो एक गुरु की गादी है, और गुरु की गादी पर कोई भी ब्राह्मण आता वो यही आशीर्वाद देता, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया, और अन्यथा युद्ध के मैदान में तो राम मेरा दुश्मन है, उससे युद्ध जरूर करूंगा। भोजन का बोलिए महाराज, भोजन क्या बनाया जाए? रावण बोले कि जिसके कारण मैं भोजन करने आया वो भोजन बना। सीता जी से कहा, आप भोजन बनाओ। माता जानकी ने भोजन बनाया, रावण को भोजन कराया, रावण भोजन करा। दशरथ जी ने कहा, बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं? रावण कहता है, दक्षिणा आपसे नहीं लूंगा, जिसके कारण मैं भोजन करने आया हूं, दक्षिणा वो देगी, उसको बुलाओ। सीता जी हाथ जोड़कर खड़ी थी, बोलिए ब्राह्मण देव दक्षिणा क्या दी जाए? इतने में लंकेश सीता जी को देखता है, और सीता महारानी रावण को देखती है कि ये वही रावण है जो जनकपुरी में युद्ध के मैदान में धनुष यज्ञ के समय पर आया था। बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं? लंका का राजा रावण कहता है, जानकी जी दक्षिणा मांगूंगा वो दे दोगी? सीता जी कहती है, ब्राह्मण देवता मांगिए तो शरीर जरूर देंगे, क्या चाहिए आपको? इतने में माता सीता के सामने लंका का राजा रावण कहता है, जानकी मैया अगर दक्षिणा में देना चाहती हो तो मुझे मेरी मुक्ति दे दीजिए। क्या दे दो जम के तो बोलो, मुक्ति दे दीजिए। सीता जी ने उसी समय कहा, ब्राह्मण देव दक्षिणा में मुक्ति भी दे देती अगर तुम मेरे पिता जनक के यहाँ जीवने आते। अब तो मैं ब्याह हो गया है, शादी कर कर आ गई हूं, और पति से बिना पूछे कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि मुक्ति सीता जी जानती है मैं दे ही नहीं सकती, मुक्ति तो कौन देगा? राम। सीता जी दौड़ कर गई, प्रभु प्रभु दरवाजे पर ब्राह्मण भोजन करने आया है और दक्षिणा में मुक्ति मांग रहा है। तो सीता जी के शब्द सुने तो राम जी बोले, दे दे मुक्ति। सीता जी बोली, प्रभु आप कह रहे हो मुक्ति दे दूं? अगर लंका के राजा रावण को मुक्ति देना है तो पहले लंका में भक्ति को भेजना पड़ेगा। जब तक हृदय में भक्ति नहीं विराजमान होगी तब तक मुक्ति कैसे हो पाएगी नाथ? तो राम जी कहते हैं, मैं लंका में भक्ति भेज दूंगा। सीता जी कहती हैं, प्रभु आपकी इस धर्म पत्नी का एक नाम भक्ति है, जब तक सीता लंका नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं, सीता मेरे शंकर के भगत का उद्धार करने के लिए मैं तुझे लंका भेज दूंगा, पर रावण को मुक्त कर दूंगा। और जैसे सीता लंका में पहुंची ऐसा भक्ति का संचार हुआ, सीताराम सीताराम सीताराम, अंदर जाए सीता बाहर देखे राम, बस सीताराम का ऐसा संचार हुआ कि राम जी दरवाजे पर पहुंच गए और रावण को मुक्त कर दिया, रावण मुक्त हो गया। ये शिव महापुराण के चरित्र